गया भाई, क्यों उनकी जाऊं मैं की खांदा पे है। रस अब्दुल वहाब खा रहा है जी रस सुबह सुबह। मैं लाडी क्यों बनी बैठी है, सुबह सुबह लैबा जानती गुड़िया है भी इस सब खा को। रही है रस, इंदा भाण बिरा वागन नाश्ता किया स्कूल। जा रहा है जी। हाँ अब्दुल वाब कह रहा है मुझे उठा लो। हाँ रात सुबह सुबह ना खिलाया कर, ए लेवा नहीं खांदे, लेवा दी बिस्कुट नहीं खाने दिन दी करा गाल से करता मैं कि चंगे वहां सो। रो है रे। आ ओ एक ही कीता चाहिए, हुण वेख मुंह एटा कीती जांदा, एक ही कीता है आई मस्तियां कर रहे है। लाडी बनी बैठे प्यादी आई स्कूल जाना स्कूल जाना। अब ईमान फातमा ते रहमान वागण ते आंदी मैं भी स्कूल जाना, तो मैं विड़ाक बैठी मैं कपड़े जड़े आ जाते निकले पर मैं तेन सका फिर कपड़े पवेनी आ चलो नवे कपड़े पवा कराओ, के मुड़ हट के नवे स्कूल ते कपड़े करने ही नहीं। अब्दुल वहाब ने जेड़ी ने चाय जेड़ी है ना सारे कपड़े ते सारी सका। डोल दिती है, कपड़े सारे खराब कर दिते ने। आइला प्यादी मैनू मां की सिलाई के कीता दे, ही ए आ वेख फिर कहती मैनू मां सिलाई के राम ना दे बह जा। ता स्कूल जाना पैसे दियो मैनू। हाँ वेख एक वेख लेंदा ही ओ है आना उनके मुंह च दिंदी पे मैं निक्का मेरे मुंह च दिता का। अब्दुल वहाब जेड़ा है ना बड़ा ही गुस्सा करता है, वेख बाजी नु मार रहा हूं किथे जाऊं मैं। हाँ बस ताई तरोड़ चढ़े। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे बहन भाइयों दे, उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक हो। सो अल्लाह पाक दा शुक्र है असीं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, पूरी फैमिली फिट फाट हैगी। तो मेरी थोड़ी जी बहुत जी रात की तबीयत खराब हैगी क्योंकि कल मैं थोड़ा बहुत सफ़र किया सी, ते हुण दी वजह तो जिहड़ा हैगा ना थोड़ी बहुती गड़बड़ हो गई आ, ते हुण मैं गर्मी महसूस हो रही है, चक्कर जे आ रहे हैं। ते मैं सोच रहा कि सुबह सुबह जो नाश्ता है ना अज नहीं करते, उन्होंने की कहते हैं चाय वगैरह या पराठा लैके आने, दही ते बंद वगैरह ठंडी कोई चीज़ खाने हैं क्योंकि कल जी ना लो लगी सामने जी है ना काफ़ी गर्मी हैगी सी, ते दिमाग में जी लग गई है मैं कोई ठंडी ठंडा नाश्ता सुबह सुबह किया जाए। ते बेगम साहबा जी हैगी अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मैं दुआ करनी है कि मेरे बहन भाई जी से रहो खुश रहो आबाद रहो हंसते रहो मुस्कुराते रहो। ते इन्हें मेरे वास्ते रोटी पानी पकाया होना, पकाया ही ते और के नाश्ता तेरे का बनाया बच्चा ने दिता आज आज ही मैं नाश्ता रोटी तेरे रोटी का रखा नाश्ता भेजे से उठी जाओ सिर देसा। आज जेड़ी है ना रोटी मैं कोई नहीं खानी, आज मैं तो चलिया दही लैन। अब्दुल वाब तू ही दही खानी है, वो कहना मैंने नाले ला जाओ मैं जा रहा जी शहर, मोटरसाइकिल जेड़ा हैगा मैं कर लिया। ते मैं सोच रहा नाश्ता तो ले ही आना, लेकिन जेड़ा है ना मोटरसाइकिल की काफ़ी हालत ख़राब हुई हुई है, ते मैं सोच रहा इनू जेड़ा हैगा ना नवा लवीए क्योंकि चक्के ते भी काफ़ी गट्टा मिट्टी हैगा। ए देखो ना इंजन लिखाई हो रही है, बोर्ड बनया पे साइन बोर्ड से, तो सारी चीज़ा ना लिखिया जा रही ने, ते इनू जेड़ा थोड़ा बहुत नहला दें क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, छापर वगैरह भी इनका फटिया पिया, ये भी दिल के गए भी नवा पवावे, तो इन दिन थोड़ी बहुत सफाई कर ली क्योंकि नवा मोटरसाइकिल हैगा काफ़ी महंगा हैगा, तो इनकी सफाई बनती है। और मैं मैं ही दे हाँ बंडती बंदी है सुहाब दा बाबी नु एक मच्छी दे भी ता ए हेक एक दंदी बनी ना दो तो मोर वहाब नु दो दे। हां अनुमान सारी दे छ रही है चार दितियां आई ते साडे वास्ते दो दो यो नन चार चार दितियां इंदे सानू ए मैनू गणियां दितियां नहीं मैं मम्मी जरा मंदी ने ते मैनू गणियां क्यों दितियां नहीं आ खा ला ते खा ले ते मैं खा ले सा और की करना है किधर जाऊं मैं हैं? ऐ सारी तू है पाड़ लिये कापी है वेखे ना छगो कहां पाड़ी है तो पाड़ी है कहां पाड़ी है
तो नहीं पाड़ी है जग्गा भी सारा पाटा पे आए की ए कहां पाड़े आपे पाट गया तो नहीं पाड़िया ए भी छगो पाड़ी है पाड़ी है नहीं है कापी सारी ते कपड़े पाटे हुन ए भी कह रही है ए भी आपे पाटे मैं नहीं पाड़े अंदर की करन जाऊं मैं अंदर रखन जाऊं मैं कापी चल रख चल रख आई बेगम से मैं दे रही है झाड़ू हूं दुपहर ही होगी 12 बजे खड़े थे हूं झाड़ू दे रहे हां की है ओ चाह लवे कह रहे मैं मां चाह लवे ऐ सीधा होके बाहो इतने इतने बाहर आराम ना हूं ना हली इतो हली ना इतो मैं जी है लैन दा नाश्ता एक बंद लैके आया ते नाल दही लैके आया जी बेगम साहिबा जिहड़ी हैगी जी बोतलां भर के ते फ्रिज च रख रही है पानी दियां ते मैं भी ना लिया ते ना के हुण चलिया जी बैंक च मैं दसना तां नहीं चाह रहा सी लेकिन काफ़ी सारी जिहड़ी ना टेंशन बनी खड़ी आ क्योंकि 10-12 दिन हो गए ने जेड़े ना जेड़ी मेरी पिछली पेमेंट हैगी हाले तक जेड़ी है ना मेरे अकाउंट ट्रांसफर नहीं हुई पता नहीं की वजह हैगी मैं पहले एक दो बार बैंक च गया लेकिन उन्होंने कोई गल नहीं की हैगी ते काफ़ी दिन हो गए ने जेड़ी है ना बर्दाश्त गल बार होगी मैं आख्या सारे भैन भाई ने शेयर की हो सकता कोई जेड़ा है ना भैन भाई जो बारे उन्होंने पता हो ते वो फिर जेड़ा ना फोन करके या मैसेज के जरिए दस देंदा है कि जेड़ा ना यह मसला हैगा तुसी परेशान ना हो क्योंकि मैनू तो इस चीज़ के बारे इन्ना इलम नहीं हैगा ते मैं हाले तक किसी वड्डे यूट्यूबर वगैरह ना राबता भी नहीं किया हैगा कि मैनू यह मसला आ रहा ते मसला यही होगा कि जेड़ी ना पेमेंट 21 अगस्त नू जेड़ी हैगी ना पेमेंट भेज दी सी गूगल वाले ने लेकिन ना हाले तक मैनू कोई पैसा नहीं मिलया है बैंक कोई ट्रांसफर नहीं होया तो हूँ जरा कल ही मैं गया सी लेकिन जेड़े ना बैंक बंद हो गए सी लेट पहुँचा सी तो हूँ फिर मैं जा रहा जुम्मा हैगा तो तकरीबन 11 बज गए ने तो उम्मीद हैगी बैंक जेड़ा है खुला होगा हूँ फिर जा रहा बैंक के पता करने जाके की मसला है की नहीं हैगी क्योंकि काम हो रहा तो पैसे जेडे सजे आ रहे हैं सजे जेडे इन्होंने जगह पर लाई जा रहे हैं तो जेकर पेमेंट रुक जाएगी तो जेड़ा काम जेड़ा ना मिस्त्री वाला रुक जाएगा मिस्त्री किधरे होते उस साइड से काम लभ लिया ना तो फिर कोई नवा मिस्त्री जेड़ा ना उसारी वास्ते लाना पेगा तो फिर ना गड़बड़ हो जाएगी सारे काम की कोशिश तो कर रहे हैं जेड़ा ना हल्ला करे ये मसला हल हो जाए दुआ करो सारे भैन भाई तो मैं फिर चला हाँ मैं फिर चलना क्योंकि मोटरसाइकिल जो है उन्होंने मैं सुबह सुबह गया सी लेकिन उस टाइम सर्विस करने वाला जो है वो भी कोई नहीं आया सी नाश्ता लैके आ गया सी नाश्ता मैं कर लिया सी तो हूँ इनकी दिल हैगी कि रस्ते में कोई सर्विस स्टेशन होया नवाण धुआन वाला गड्डिया तो इनकी भी जी है ना अभी सफाई करावे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जंग इन लग रहा हाँ ये फिर रस खाऊ सुबह तू खाधे हूँ पानी ने रस खाऊ पानी नहीं खा ला वेखी जासी पानी ने रस खा ला कोई रोला नहीं इन चाह इन चंगी बच्चे ना चाह दी कर चलो ठीक है मैं चलना जेडी ना मैं फिर ना लेट हो जावे हाँ ना दुआ करे अपना जेड़ा ना काम हो जावे अल्लाह करे जेड़ा ना अल्लाह पाक अब्दुल वहाब जेड़ा है सो रहा ते चलो ठीक है जी चलने हैं मैं तो शहर पहुँचाया सी ते जेड़ा ना बैंक वालिया ने कहा सी सानू इनकम प्रूफ दियो ते हवा जेड़ी की काफ़ी तेज चल रही है मेरे साथ ते आ जेड़े हैगे चैनल दे फोटो वगैरह जेड़े हैगे उन्होंने मंगे ने ते वो हुण लैके जा रहे हैं पेपर जेड़े हैगे सी मैं बैंक जमा करा दिते सी ते हुण जा रहा मैं घर बाकी जेड़ी गल हैगी सानू जेड़ा ना घर जाके दसांगे फिर हैं लैबा ते मान फातमा जेड़ी हैगी खेड रहे ने फुल जे इकट्ठे किए होने इतने धुप ते बह के खेडते पे हूँ तक तो इतने नजाड़ बने हुए सी ते बदल वगैरह बने हुए सी ते जेड़े गए ना चलेगा उत्थे अंदर जा खेडो चलो इतो छां ते बह के नहीं खेडो चंगा तुहाडा खेडो ना
ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਨਕਮ ਪਰੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਰਿਸਿਪਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਚਾਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਣੀਆਂ ਦਾ ਬੱਜਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਗਾਮ ਦਾ ਪਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਾਪਾ ਪਿਆਨੋ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸੋਚਾ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆਈ, ਜਾ ਫਕੀਰਾ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਵਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਝੜ ਝੂੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।